अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, लेट्स मी टू बसीशान। तो आज मैं आप लोगों के लिए खूबसूरत सा क्लासिक ब्राउन ग्लिटर आई मेकअप लुक लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को ये लुक सीखनी है तो वीडियो को लास्ट तक देखें, ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैबेलिन ब्राउ पैलेट के डार्क ब्राउन शेड से मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर रही हूँ। इस स्पूली से मैं अब ब्लेंड कर रही हूँ। कंसीलर से मैं अपनी आई लिड को कंसील कर लूँगी और आईब्रोज को नीट एंड क्लीन कर लूँगी। मिस रोज का कंसीलर है, इसका शेड है आइवरी 6। अभी मैं सिर्फ अपनी लिड को कंसील कर रही हूँ, अंडर आई को कंसील नहीं कर रही, अंडर आई को लास्ट में कंसील करूँगी। आउटर कॉर्नर पे मैं ये टेप अप्लाई कर रही हूँ। ग्लैमरस फेस के ब्लैक काजल से मैं विंग आई लाइनर क्रिएट कर रही हूँ। फ्लैट ब्रश से अब मैं सेट कर रही हूँ। ब्राउन शेड लेके अपने विंग आईलाइनर के ऊपर अप्लाई करूँगी। इस तरह से जो ये मैं आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ, काशिश की वेंटेज को इन पैलेट है, थोड़ा थोड़ा ब्राउन शेड लेके इस तरह से मैं अपने आई लिड पे अप्लाई करती जा रही हूँ। अब ये लाइट कैमल शेड लेके मैं अच्छी तरह से अपने क्रीज एरिया पे अप्लाई कर लूँगी फ्लफी ब्रश से, और साथ साथ में जो डार्क ब्राउन मैंने पहले अप्लाई किया था दोनों को साथ में ब्लेंड कर रही हूँ अच्छी तरह से। यहाँ मैंने ये ब्राउन मेटेलिक शेड लिया और अपने आई लिड पे अप्लाई कर रही हूँ फ्लैट ब्रश से। इस शेड से ब्राउ बोन को हाईलाइट कर लूँगी। एक वक्त का केक आईलाइनर से आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ, विंग बनाऊंगी। जिन्हें आईलाइनर लगाने में प्रॉब्लम होती है वो इस मेथड से भी विंग आईलाइनर अप्लाई कर सकते हैं इजीली, बहुत नीट एंड क्लीन उनका विंग बनेगा। आई लिड पे ग्लिटर्स अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं ये टेप रिमूव कर दूंगी, आप देख सकते हैं कितना क्लीन विंग बना है हमारा। क्राइलॉन की स्टिक इस तरह से मैं अपने वाटर लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ ब्रश के उल्टे साइड से। अब ये नीचे में ब्राउन शेड अप्लाई कर रही हूँ। लास्ट में आईलैशेस अप्लाई करके लुक को कंप्लीट कर लिया। आई होप ये लुक आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और मज़ीद न्यू वीडियोज़ आप तक लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।